नहीं भैया, इसको पकड़ के चलें तो ऐसा भी 6 है एंड ये भी 6 है, मगर इसके थ्रू हम क्या कहना चाह रहे हैं बताओ जरा। भैया इसके थ्रू तो पहले वाला। ये हाँ अब एक बार बोल के बताओ सब लोग, क्या पढ़ते हैं इसको हम? टू वन इज टू, टू, टूज आर फोर, फोर, टू थ्रीज आर सिक्स। सिक्स। फर्स्ट थर्ड ये हो गया, सेकंड थर्ड ये हो गया। हम लिखते ये हैं, बोलते ये हैं, टू थ्रीज आर सिक्स, समझ ये रहे हैं। तो टू के टेबल में तो मास्टरी कर रखी है हमने। यार मुझे तो टू का टेबल भी नहीं आता है। मुझे भी हमारी हिंदी में भी गड़बड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान श्रृंगार ऐसे लिखता है। सही तो है भैया। गलत है, मगर कभी हुआ कि निराला या दिनकर की पोएम्स नहीं समझ में आ रही हूं, या मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये टू के टेबल की डेप्थ मिसिंग थी? अब अगर उसी बात पे अड़ जाते कि मास्टरी नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ूंगी, तो पढ़े रहते तीसरी कक्षा में। भाई ज्ञान तो किसी भी चीज का 100% होने से रहा, इनफैक्ट कोई टॉपिक कच्चा भी हो तो क्लास के साथ आगे बढ़ जाओ, एक्सपर्टीज आती रहेंगी टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। पर भैया ये तो पीयर प्रेशर है ना। हाँ तो पीयर प्रेशर तो अच्छी चीज है, बस तुम्हारे पीयर्स बेवकूफ नहीं होने चाहिए, फिर रहो प्रेशर में, फायदा ही होगा। अरे यार मान लो हम सबको ए से बी जाना है तो सबके साथ मैं यही रास्ता लूंगा ना, अगर मेरी डेस्टिनेशन अलग है तो ही भाई ये नया रास्ता लूंगा ना, वरना तो रहूंगा मैं पियर्स के साथ, जाऊंगा सबके साथ क्यों? हाँ भैया, हाँ भैया, पर हमें तो पेपर देने से डर लगता है।